प्रकृति की गोद में समाया मनोहारी तीर्थ स्थान गोवर्धन पर्वत बरबस ही भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। गोवर्धन परिक्रमा के लिए यहाँ भक्तों का हमेशा तांता लगा रहता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु गोवर्धन जी महाराज के दर्शन करने व परिक्रमा लगाने आते हैं। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण के कहने से ब्रजवासियों ने इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा की, तब इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा। परिणाम स्वरूप इंद्र ने 7 दिनों तक लगातार घनघोर वर्षा की। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन जी पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण किया और जब इंद्र का घमंड चूर हो गया तब स्वयं गोवर्धन जी महाराज ने एक अंश से पूजा की तथा एक अंश से स्वयं पूजे। उन्होंने स्वयं अपनी 7 परिक्रमा लगाई। तब से भक्त जन श्री गोवर्धन जी महाराज की 7 परिक्रमा लगाते हैं। हर जाति संप्रदाय के लोग यहाँ श्रद्धा व आस्था से परिक्रमा लगाते हैं और सुख शांति व समृद्धि प्राप्त करते हैं। गोवर्धन पर्वत हिमालय पर्वत का ही एक अंश है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तब सेतु निर्माण के लिए हनुमान जी इन्हें हिमालय पर्वत से लेकर आए थे, परंतु सेतु निर्माण के बाद इस पर्वत को जहां का तहां रख दिया गया, जिस पर गोवर्धन जी को अपमान महसूस हुआ। तब भगवान श्री राम ने गोवर्धन पर्वत को यह आश्वासन दिया कि वे द्वापर युग में कृष्ण रूप में उन्हें अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण कर उनका मान बढ़ाएंगे। गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण किए श्री कृष्ण भगवान की नैनाभिराम पावन मूर्ति कृष्ण भक्तों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। यह मूल मुखारबिंद मंदिर है। कृष्ण भक्तों को इस प्राचीन एवं विख्यात मंदिर के दर्शन से पुण्य ही प्राप्त नहीं होता बल्कि मन को शांति भी प्राप्त होती है। श्री गिरिराज नुमा यह मंदिर दामघाटी गिरिराज जी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में एक बड़ी ही न्यारी अनोखी और प्यारी सी कथा है कि बरसाने से यह रास्ता मथुरा की ओर जाता है और बरसाने से ब्रज की गोपियाँ मिट्टी के बर्तनों में यानी कि अपने माट मलरिए में दूध दही माखन अर्थात गोरस को बेचने के लिए मथुरा की ओर इसी मार्ग को पार करके मथुरा की ओर जाया करती थी। चूँकि यह स्थली भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली के नाम से जानी जाती है, यहाँ भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ में क्रीड़ा के लिए आते थे। अतः जब गोपियाँ इस रास्ते को पार करती हुई गुजरती थी तो भगवान को उनके दूध दही माखन पर बड़ा ही मोह उत्पन्न होता था और उनको यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि ब्रज का गोरस वहाँ जाकर कंस के यहाँ बेचा जाए, उनके यहाँ खाया जाए। हमारा गोरस और खाए कंस? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अतः भगवान ने
उन गोपियों से छीना झपटी करके उस माखन को खाया और फैलाया और उन मिट्टी के बर्तनों को तोड़ा। ऐसी ही लीला भगवान ने इस स्थान पर दानघाटी के मंदिर पर की, इसीलिए यह मंदिर दानघाटी के नाम से आज भी संपूर्ण भारत में जाना जाता है। जय गोवर्धन गिरिराज की जय, जय महाराज की जय, जय 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 हो घन श्याम के सबसे ऊंची महिमा गोवर्धन के नाम की। जय गोवर्धन गिरिराज की जय, जय महाराज की जय, जय 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 हो घन श्याम के सबसे ऊंची महिमा गोवर्धन के नाम की। घाट पे दीप जला के, दान घाट पे दीप जला के, अपने भाग जगा लो तुम गोवर्धन के चरणों में भगतों, अपना शीश नवा लो तुम गोवर्धन की महिमा भारी जाने दुनिया सारी, परिक्रमा है करने आते जयकार लगाते तेरे ही नाम की, के सबसे ऊंची महिमा गोवर्धन के नाम की। जय गोवर्धन गिरिराज की जय, जय महाराज की जय, जय 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 हो घन श्याम के सबसे ऊंची महिमा गोवर्धन के नाम की। मानसी गंगा मुखारविंद मुकुट से अपनी सप्तकोसीय यात्रा गोवर्धन यात्रा प्रारंभ कर हम यहाँ दानघाटी मंदिर पास स्थित बड़ी परिक्रमा के लिए पंडित गया प्रसाद जी, जहाँ पर साक्षात इस चरण शिले का दर्शन के लिए आते थे, उनका पूजन करते थे, यहीं से यह बड़ी परिक्रमा शुरू होती है और हम यहाँ दूध की धारा यहीं से यात्री लोग अपनी प्रारंभ करते हैं। आइए लेते हैं इस परिक्रमा का आनंद। बोल गिरिराज बाबा की जय। गोवर्धन पे बरस रही है, गोवर्धन पे बरस रही है भक्त दूध की धार। गोवर्धन गिरिराज को मेरा नमन है सौ सौ बार। गोवर्धन गिरिराज को मेरा नमन है सौ सौ बार। गोवर्धन पे बरस रही है। सबसे पहले दान घाट पर धूप और दीप जला लो। सबसे पहले दान घाट पर धूप और दीप जला लो। गोवर्धन गिरिराज के चरणों अपना शीश नवा लो। गोवर्धन को दंडोती दे ये दुनिया हर बार। गिरिराज को मेरा नमन है सौ सौ बार।
पावन धारा, दूध की भक्तों जो अमृत के धार। पावन धारा दूध की भक्तों जो अमृत की धार। एक बार जो चरणामृत ले ओ भव सागर पार। जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय पालन हार। गोवर्धन पे बरस रही है भक्त दूध की धार। गोवर्धन गिरिराज तो मेरा नमन है सौ सौ बार। गोवर्धन पे बरस रही। गोवर्धन जी की पूरी परिक्रमा 21 किलोमीटर की है। इस परिक्रमा को दो चरणों में बांटा गया है। पहली परिक्रमा 12 किलोमीटर और दूसरी परिक्रमा 9 किलोमीटर की है। परिक्रमा में स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी राधे कृष्ण कहते हुए आगे बढ़ते हैं। परिक्रमा मार्ग में आगे की ओर बढ़ते हुए हम आ पहुंचे हैं ब्रज संत पंडित श्री गया प्रसाद जी के समाधि स्थल पर। तो आइए चलते हैं, प्रणाम करते हैं पंडित गया प्रसाद जी की समाधि स्थल को। यात्री परिक्रमा लगाते हुए यहाँ गोविंद कुंड आ पहुँचते हैं। इस गोविंद कुंड का कुछ ऐसा महत्व है, कहते हैं जब देवताओं के राजा इंद्र का मान खंडित हुआ तो वह स्वयं भगवान कृष्ण की शरणागत आया और यहाँ गोवर्धन स्थित गोविंद कुंड में उसने स्नान कर भगवान गोवर्धन जी का स्वयं अभिषेक किया और यहीं पर महाप्रभु बल्लभाचार्य जी की भी बैठक है। बोलो
गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल। 6 किलोमीटर की परिक्रमा करने के पश्चात हम पहुंचते हैं पूंछरी गांव में। गोवर्धन जी महाराज आकृति में मयूर के समान हैं, इसीलिए तो इस गांव का नाम पूंछरी पड़ा। पूंछरी गांव में ही लोठा जी का दर्शनीय मंदिर है, जो यात्री गोवर्धन जी की परिक्रमा करने आते हैं उनकी उपस्थिति लोठा जी ही लगाते हैं। बोल पूंछरी के लोठा की जय। यह पूंछरी के लोठा चंद्रावल सखी के पति के नाम से जाने जाते हैं। एक महात्मा कहा जाता है कि जब चंद्रावल सखी भगवान से बोली कि जाओ धागपात से पत्ता तोड़ लाओ, तुम्हें माखन पत्ते में दूंगी हाथ में नहीं दूंगी, तो भगवान कृष्ण पत्ते को तोड़ने के लिए गए तो इतने में ही चंद्रावल सखी अपने दूध दही माखन को चुप से लेकर चली जाती है और गुलचा मारकर के मंसूबा को जब रास्ता से पार हो जाती है तब भगवान बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और उसी नाराजगी को दूर करने के लिए भगवान स्वयं छलिया का रूप धारण करके नारी स्वरूप धारण कर चंद्रावल सखी को छलने के लिए आते हैं। उसी छलने में जब भगवान चंद्रावल सखी से पूछते हैं कि सखी बता तुझे वरदान में क्या चाहिए, तब चंद्रावल सखी कहती है कि देख सखी, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है पर संतान नहीं दी है, मेरे पति का नाम कैसे आगे बढ़ेगा। तब भगवान नारी स्वरूप में ही बोले कि हे सखी, आज से तेरे पति पूंछरी के लोठा को मैं यहाँ विराजित करता हूँ और हमेशा यात्रीगण भक्तगण सदैव तेरे पति को पूंछरी के लोठा के नाम से जानेंगे। तो कहिए जय पूंछरी के लोठा जय गिरिराज। गिरिराज की तरह थी लगती हमें प्यारी, गिरिराज की तरह थी, यह है मुकुट मुखारबंद चतीपुरा गिरिराज की तरह थी। यहाँ पर यात्रीगण कुनवाड़ा 56 भोग आदि प्रसाद भगवान जतीपुरा जी के मुखारबिंद पर यहाँ होता है। कुनवाड़ा वह जहाँ भगवान को भोग प्रसाद सामग्री रखी जाती है, 56 भोग वह जहाँ 56 प्रकार के व्यंजनों से भगवान को अर्पित किया जाता है। यहीं पर है श्रीनाथजी के लिए एक गुफा जाती है। जब कहते हैं कि मीराबाई जी भगवान कृष्ण के इस ब्रजधाम में आई
तो भगवान को अपने प्रेम में मोह में छल करके और श्री नाथ जी ले गई। आज भी कहते हैं कि भगवान ने कहा मीराबाई से कि मीराबाई, मैं दिन में तो श्री नाथ जी रह सकता हूँ, पर मैं रात में श्री नाथ जी अपना ब्रज नहीं भूल सकता। इसीलिए अपने ब्रज में शाम के वक्त आज भी भगवान वापस गोवर्धन में आ जाते हैं। गिरिराज जी मुखारविंद जतिप्रा सुंदर शिला श्री महाप्रभु जी को लेखन और महाप्रभु जी ने यहाँ पूजन कियो अर्चना करी और वैष्णवन को श्री गिरिराज जी की उपमा के बारे में यहाँ सब श्रृंगार कियो है, सेवा की है और ये सब आनंद लियो है यहाँ वैष्णवन ने। तो यहाँ पर कुनवाड़े छप्पन भोग अनेक मनोरथ गिरिराज जी की वहाँ में होते रहे और होते चले आए हैं और गुरु पूर्णिमा अधिक मास जो महीना आमे तो अतकी के उत्सव ठाकुर जी गिरिराज जी यहाँ ही अरोगे जो गोवर्धन से चल के वैष्णव आमे तो 9 किलोमीटर पूछरी होते रहे यहाँ पे आके दूध चढ़ाए भोग लगामे अपनो पूजन करें और अपनी मन की जो मानसा है वाकू यहाँ मांगे हैं गिरिराज जी से। और ये वो जगह है यहाँ भगवान ने कन्नी उंगली के ऊपर में जो पर्वत धारण कियो है सबरे ब्रजवासियों को ब्रजमंडल के सबरे इकट्ठे किए हैं और यहाँ पूजन कियो है। जब पूजन कियो है तो वह समय इंद्र की पूजा होती रहती तो इंद्र को मालूम पड़ी कि यहाँ मेरे पूजन को छुड़ाए के और एक पत्थर की पूजन है रहो है, ये ऐसा क्यों है रहो है। तो जाके मेघमालान को बुलायो और बोले जाओ ब्रज को तहस नहस कर दो, ब्रज में कोई जीव नहीं रहे, कोई कैसा भी नहीं रहे और ख़त्म कर दो जब मेरी पूजन को छुड़ा लियो है। तो जब यहाँ भगवान कृष्ण ने भगवान गिरिराज महाराज की पूजन करके और वंदना करिए कि महाराज आपको उपाय बताओ ये सब है रो ऐसा क्यों होगो, तो भगवान ने गिरिराज ने कही है तू मेरे को उठा ले। तो भगवान ने कन्नी उंगली पे उठाया पर्वत को और 7 दिन और 7 रात पर्वत को उठा के रखो है, सबरे ब्रजमंडल को अंदर ले लियो है। जब मालूम पड़ी कि ब्रज में तो एक भी बूंद नहीं गई, एक भी पोछार नहीं गई, कोई भी ऐसा नहीं भयो ब्रजमंडल में पानी को प्रभाव प्रकोप थे, तो यहाँ पे इंद्र आयो है, मालूम पड़ी कि यहाँ अवतार ने जन्म ले लियो है। तो जब इंद्र आयो है तो इंद्र साष्टांग दंडोत करतो भयो, सबसे आगे ऐरापत हाथी, फिर सुरभि गाय, श्याम करण घोड़ा और तिनका मुंह में लगा के जब वो शरणागति आयो है। तो जब ठाकुर जी की जो भी शरण में आवे और माने मनोरथ कियो है, 7 दिन जब भगवान पर्वत को उठा के रखो है तो बोले महाराज आपने बड़ो कष्ट पायो है, 7 दिन और 7 रात का चुखायो नहीं,
कछु पियो नहीं, तो 7 दिन के हमारे गिराज जी की 8 सेवा हुए दिन भर में, तो 7 दिना की सेवा और 8 समय को भोग राग, तो 7 8 56 भोग यहाँ इंद्र ने भोग धराए हुए, और गिराज जी से अपनी माफ़ी मांगी है और ब्रजमंडल में वाकू माफ़ करके और वाकू विदा कर दियो है। तो ये भोग गिराज जी को ठिकानो है, जो यहाँ सुरभि गाय, ऐरापत हाथी, श्याम करण घोड़ा ये सब लेके आए हो, सब भेंट किए, तो सुरभि गाय को रख लियो है, बाकी को सब दे दियो और कह दे भैया अपने इंद्रपुरी जाओ और माही रहो। तो धरण की गोवर्धन नाथ की। वृक्ष जिसमें संगम है छोकरा और पीपल का, कहते हैं पीपल स्वरूप भगवान विष्णु का और छोकरा स्वरूप माँ लक्ष्मी, ऐसा ही यह वृक्ष धरती से स्वतः ही उत्पन्न है। जय लक्ष्मी नारायण। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, ऐसा ही दृश्य आज भी यहाँ देखने को मिलता है यात्रियों को। परिक्रमा में आज भी तरहटी में यहाँ गऊएं बड़े ही प्रेम से कैसी चरती घूमती हैं। जय गोपाल गोपाल, जय गौधाम। जय गिरिराज धरण, जय गोवर्धन धाम। यह है प्राचीन परिक्रमा। आज भी यात्रीगण अत्यधिक भीड़ होने पर या जिन्हें इस प्राचीन परिक्रमा से बड़ा ही मनोरम लगाव है, आज भी इसी मार्ग द्वारा यह परिक्रमा पूरी की जाती है। जय जय गोवर्धन धाम, जय जय प्राचीन परिक्रमा, जय 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 श्री गोपाल। श्री गोवर्धन जी महाराज के आशीर्वाद से पहली परिक्रमा पूर्ण होती है। अब यहां से दूसरी परिक्रमा जो 9 किलोमीटर की है को पूर्ण करने के लिए हम आगे चल पड़ते हैं। बाजारों से होते हुए मन में श्री कृष्ण व गोवर्धन जी महाराज का ध्यान लगाते हुए भक्त जन आगे बढ़ते जाते हैं। यहां से राधा कुंड व कृष्ण कुंड मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर रह जाते हैं।
यह भगवान उद्धव जी, कौन नहीं जानता उद्धव जी को, भगवान कृष्ण के परम सखा। ऐसा ही मात्म है इस उद्धव कुंड का। कहते हैं भगवान ने 11 साल बावन दिन जब लीला की और नारद भगवान ने उन्हें ज्ञान दिया कि भगवान आपको तो अभी बहुत से कार्य करने हैं, तो भगवान ने ब्रज छोड़ करके और जब मथुरा की ओर गए हैं तो वहाँ जब भगवान गोपियों को बहुत ज्यादा याद किया करते थे तो उद्धव ने उन्हें समझाया, उपदेश दिया कि भगवान तुम गोपियों को याद करते हो, इस सब में कुछ भी नहीं है। ऐसा सोच करके भगवान ने कहा कि तुम जाकर के उन गोपियों को समझा कर आओ। तो ऐसा ही कुछ ज्ञान देने के लिए गोपियों को उद्धव जी यहाँ इस स्थान पर आए और गोपियों को उन्होंने उपदेश दिया है और फिर अपना उपदेश न दे करके और उनके उपदेश से सरोवर होकर के उन्होंने इसी स्थान पर विश्राम लिया है। जय उद्धव भगवान, जय उद्धव कुंड। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। 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 हमको भी तारो, शाम पार उतारो। सतगुरु का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने मेरा को तारा, हमने सुना है, हमने सुना है तुमने मेरा को तारा। हमने सुना है तुमने मेरा को तारा। भक्ति का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने शबरी को तारा, हमने सुना है, हमने सुना है तुमने शबरी को तारा। हमने सुना है तुमने शबरी को तारा। वेरों का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने गणिका को तारा, हमने सुना है, हमने सुना है तुमने गणिका को तारा। हमने सुना है तुमने गणिका को तारा। तोते का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने द्रौपदी को तारा, हमने सुना है,
हमने सुना है तुमने द्रौपदी को तारा, हमने सुना है तुमने द्रौपदी को तारा। साड़ी का करके बहाना शाम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना शाम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना शाम हमको भी जय जय जय।
महा।